बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। जिगर पंडित, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि दायरे के इस मार्केट में आज के लिए आप किस तरह का ट्रेड रिकमेंड करेंगे? गुड मॉर्निंग ऋतिक जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आज इंटरनेशनल मार्केट क्लोज रहेंगे, तो उस वजह से वोलेटिलिटी रिलेटिवली काफी कम रहेगी, बट जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न लग रहा है, हमें लग रहा है एक बार थोड़ा सा और यहाँ से बुलिश टोन हो सकता है गोल्ड में, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल थोड़ा सा टेंशन नॉर्थ कोरिया की तरफ से, यूएस का थोड़ा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, यूके का इलेक्शंस का भी अनसर्टेनिटी, सो ऑल दिस इज डेफिनेटली एडिंग कि भाई सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट में बाइंग तरफ लग रहा है। इसलिए हमने देखा कि 1252-54 से जो बढ़कर 1265 बहुत तेजी से चला गया था, और सबसे मुख्य बात है कि जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की रिपोर्ट है उसमें लास्ट वीक में हमने गोल्ड और सिल्वर में जो मैनेज फंड्स की जो ओपन इंटरेस्ट है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट जंप देखा है, विच बेसिकली इंडिकेट करता है कि बाइंग इंटरेस्ट आया है नीचे के लेवल पे और मैनेज फंड्स उसमें काफी बुलिश हो रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि मीडियम टर्म के लिए भी प्राइस ऊपर जा सकते हैं, और इंट्राडे के लिए स्पेसिफिकली यदि मैं बात करूं तो गोल्ड सिल्वर दोनों में हम बाय रिकमेंड कर रहे हैं। गोल्ड में 28,850 में लेना चाहिए, और उसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 28,760, पहला टारगेट 28,950 और 29,070, और सिल्वर में भी बाय रिकमेंड कर रहे हैं 40,100 के लिए। ठीक है, ठीक है, आपकी कॉल क्या होगी, आप एग्री करते हैं हरीश जिगर पंडित से? I agree with Jigar. As far as days trading is concerned, maybe काफ़ी range bound रहने का chances लग रहे हैं, but अगर technical patterns के हिसाब से देखें तो market has actually breached a good resistance at 1263-1265 kind of levels. तो यहाँ से I think eventually market now is heading towards 1280-1293 resistance areas. So I think keeping that in mind, one can comfortably buy gold on dips. As far as levels are concerned, maybe 28,800 is a good level to enter with long, with a stop loss below 28,700. Okay, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात अब कच्चे तेल की, क्रूड का मार्केट अभी भी दबाव में है क्योंकि अमेरिका में लगातार कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ रहा है। जिगर पंडित, ऐसे में क्या ये माना जाए कि क्रूड पर अभी प्रेशर कंटिन्यू रहेगा? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, क्योंकि हमने लास्ट वीक में भी जो देखा रिग काउंट्स, वो 722 होके लगभग 19 रिग्स ऑलरेडी बढ़ गई है, तो दैट इज डेफिनेटली इंडिकेटिंग अ बेरिश साइन फॉर क्रूड ऑयल, और ओपेक की मीटिंग से भी ऐसा कोई बड़ा आउटकम आया नहीं है। सेकेंडली चाइना थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, सो ऑल दैट इज इंडिकेटिंग की प्राइसेस थोड़ा और प्रेशर में रह सकता है और ऊपर के लेवल में प्राइसेस में सेलिंग कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए भी हमें लग रहा है कि प्राइस और डाउन जा सकते हैं, 3215 के आजूबाजू सेल करना चाहिए, और उसका स्टॉप लॉस 3255, पहला टारगेट 3180 और दूसरा टारगेट 3145 रख के सेल कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस के ऊपर आपका व्यू क्या होगा हरीश? आज के लिए एनजी में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे, क्योंकि अगर एनजी की प्राइस को देखें तो यहाँ पर वोलेटिलिटी है और मार्केट आज दबाव में है। I think overall sentiment काफ़ी weak as far as natural gas fundamentals are concerned. This there again demand related concerns are prevailing. जब तक demand निकल के नहीं आता है, I think prices का जो trend negative trend है वो continue रहने का chances लग रहे हैं। As far as day strategy goes, one can comfortably sell on rallies. Okay, ठीक है, अब बात करते हैं बेस मेटल्स की। ओवरऑल मेटल मार्केट को लेकर के आपका आउटलुक जिगर पंडित क्या है, और आज अगर मेटल में ट्रेड करना हो तो कहां पर ट्रेड करना बेहतर रहेगा? सी, ओवरऑल बेस मेटल में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यदि देखें तो प्राइसेस थोड़े से बेरिश लग रहे हैं, क्योंकि जो मेजर कंजम्पशन है चाइना की, वहां से थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा नहीं आ रहे हैं। हमें लग रहा है कि ऊपर के लेवल पे प्राइसेस वीक ही रहेंगे। स्पेसिफिकली अगर इंट्राडे के लिए अगर बात करूं तो हमें लग रहा है कि एक बार कॉपर और यहां से और डाउन जा सकता है, और उसमें हम सेल रिकमेंड कर रहे हैं इंट्राडे के लिए। द सेफ लेवल 366.50 से सेफ रहेगा बेचने के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि 372-375 के ऊपर सेलिंग प्रेशर बनी रहा है और प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो 366.50 सेफ लेवल है, उसका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 368.50 और टारगेट 364.40 और 367.20 के टारगेट के साथ सेल कर सकते हैं। ठीक है, आपकी टॉपिक हरीश क्या है आज के लिए मेटल में?
again, I prefer selling copper. If you look at, I think you know, market is unable to sustain at higher levels and comfortably at 370 ke niche jab tak trade karta hai, market ko sell karke chalna chahiye. As far as intraday trading strategy is concerned, 367 an ideal level to enter with short positions. Eventually, we are expecting 364 to 363 through the day. Okay. करेंसी मार्केट को लेकर के जिगर पंडित आपका व्यू क्या होगा, डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल आप इंट्राडे में और शॉर्ट टर्म में क्या देख रहे हैं? शॉर्ट टर्म के लिए करेंसी मार्केट में हमें मॉनसून के ऊपर भी मेजर फैक्टर इन करता है, क्योंकि अगर टाइम पर आता है मॉनसून और प्रॉपर आता है तो डेफिनेटली एक अच्छी इंडिकेशन होगी हमारी इकोनॉमी के लिए, और इकोनॉमी अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली हमारा रुपी और यहाँ से स्ट्रेंथन हो सकता है. पैरेलली अगर यूएस में अगर इकोनॉमी ठीक नहीं रहती और पॉलिटिकल टेंशन और बढ़ता है तो डॉलर इंडेक्स हो सकता है. सो बाय लार्ज हमें लग रहा है कि एक रेंज बैंड में हो सकता है 64 नीचे में और ऊपर में 66 तक रह सकता है. बट इंट्राडे के लिए अगर स्पेसिफिक बात करूं तो हमें एक बार लग रहा है कि करेंसी यहाँ से और थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, मतलब टेक्निकली थोड़ा सा डेप्रिशिएट हो सकता है. तो 64.80 एक सेफ लेवल होगा बाय करने के लिए. राइट, स्टॉप लॉस 64.600 टारगेट 64.92 रहेगा. ठीक है, और चलते चलते आपको एक और खबर बता दें कि देश में 100 हॉल मार्किंग सेंटर बनाने की योजना चल रही है. इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉल मार्किंग सेंटर्स ने इस मामले में BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को प्रस्ताव सौंपा है, और हॉल मार्किंग के लिए ये ट्रेडिंग सेंटर बनाने के लिए ये तैयारी चल रही है. और इसके अलावा ट्रेडिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे, और इसमें WGC और MMTC पैम्प मिलकर ये ट्रेडिंग सेंटर बनाएंगे, ताकि जो लोग हॉल मार्किंग से जुड़े हों उनको पूरी जानकारी रहे इस बात की कैसे हॉल मार्किंग किया जाता है. और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का. हरीश, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? I prefer buying gold around 28,800 levels for a target of 29,000. Stop should be maintained below 28,700. आपकी रैपिड फायर कॉल जिगर पंडित? मेरी रैपिड फायर गोल्ड में है, हालांकि बहुत रेंज बाउंड है, बट हम बाय रिकमेंड कर रहे हैं. स्टॉप लॉस उसका रहेगा 28,760, टारगेट 28,950 और 29,070. आपकी आखिरी कॉल हरीश? एग्री में से जीरा खरीद के चल सकते हैं 17,850 के आसपास फॉर अ टारगेट ऑफ 18,100 देन 18,250. स्टॉप शुड बी मेंटेन्ड बिलो 17,700. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप हरीश आपका और जिगर पंडित आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं. तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही.